अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सुपर डुपर फ्रूट रेसिपीज बाय ज़ोया खान। आप सबको ईद मुबारक। आज हम बीफ के कबाब बनाएंगे, तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आपने 1 kg कीमा लेना है गाय का, और इसको चॉपर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। आपने लहसुन लेना है 5 अदद, और एक छोटा टुकड़ा आपने जिंजर का लेना है। लहसुन और अदरक को हम इस चॉपर में डालेंगे, और आपने 5 ग्रीन चिली लेनी है। अब हम इस चॉपर में डाल देंगे, और एक आपने प्याज लेना है और इसके स्लाइस कर लेने हैं। तो अब हम चॉपर में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो 1 tablespoon ब्लैक पेपर, और 1 tablespoon चाट मसाला, और 1 tablespoon हल्दी, और 1 tablespoon सूखा धनिया, और 2 tablespoon रेड चिली आपने डालनी है, और गरम मसाला भी 2 tablespoon। इससे पहले हम धनिया डाल लेंगे 5 tablespoon, हाफ कप। और इसके बाद हम गरम मसाला डाल लेंगे। अब हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चॉपर में आपने सब मसाले डाल देने हैं। ये बहुत ही अच्छा स्पाइसी हमारा ये गाय का कीमा रेडी हो जाएगा। आपने अच्छे से चॉपर में मिक्स करना है। अब ये मिक्स हो चुका है, ये देखें आप, सब मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको सेट होने के लिए हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। ये कीमा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आपने कोई भी बारबी स्टिक्स ले लेनी है, और उसमें कबाब को प्रेस करना है। ये देखें, हमारा एक कबाब तैयार हो चुका है। अब हमने ऐसे ही सारे कबाब तैयार करने हैं। आप बकरा ईद पे ये रेसिपी बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। ये बहुत ही अच्छे कबाब बनते हैं। आप साइज अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं। अगर आपने छोटे कबाब बनाने हैं तो आप साइज छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, हमारा कीमा बिल्कुल सेट है, तो हमारे कबाब आराम से बन रहे हैं, कोई भी क्रैक नहीं है इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
मैंने ये आप लोगों के लिए ईद में ये कबाब की रेसिपी रिकॉर्ड की है, ताकि आप लोगों को आराम से ये रेसिपी मिल सके और आप लोग ईद पे या ईद के बाद ये रेसिपी बना सकें और दावत पे अपने मेहमानों को खिला सकें। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है। आपने सब कबाब बना लेने हैं ऐसे ही। ये देखें, मैंने सब कबाब बना लिए हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही कबाब बना लेने हैं और इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। कबाब अच्छे से सेट हो चुके हैं। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को और दावत में मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। आपने थोड़ा सा ऑयल गरम करना है फ्राई पैन में और इसको फ्राई करने हैं। आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है सब साइड से। आपने अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन करना है। आप इसे बनाकर 1 मंथ के लिए रख सकते हैं फ्रीज़र में। ये देखिए, हमारे सब कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसे पुदीने और धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है।